यूनिवर्सिटी प्रकरण मामले को लेकर जो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश भर में, इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि देर रात तक हंगामा होता रहा, स्टूडेंट्स की तरफ से धरना दिया गया, हालांकि धरना खत्म हो गया है और बाकायदा प्रशासन ने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की, छात्रों के साथ बातचीत की और उनकी मांगों को भी स्वीकारा। और कौन कौन सी मांगों को स्वीकारा गया है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली मांग ये है कि जो लाठी चार्ज हुआ था उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और हॉस्टल की जो टाइमिंग है 8:30 बजे की उसको बढ़ाकर 9:30 किया जाना चाहिए, इसको भी स्वीकार लिया गया। इसके साथ साथ नॉन टीचिंग डे 5 से 6 दिनों के लिए, और ये भी देखा गया कि जो छात्राओं के जो परिजन थे उनको लेने के लिए आए तो छात्रों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर इंसाफ की मांग की है। हालांकि कल एसएसपी मोहाली की तरफ से बयान सामने आया था, उन्होंने ये बात कही थी पत्रकारों से बातचीत के दौरान कि ऐसा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है, जबकि उसी छात्रा ने अपना वीडियो भेजा था। हमारे संवाददाता इस पूरे प्रकरण पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, गुरमिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका हम रुख करेंगे। गुरमिंदर, अभी तक क्या क्या जानकारी आपको मिल पा रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या अपडेट है, सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताएं। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 2 दिन हो चुके हैं जो विद्यार्थी हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग रात को भी 1 बजे तक ये हंगामा चला। पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में जो सहमति नहीं बन पाई, पुलिस चाहती थी कि स्टूडेंट्स अपने अपने हॉस्टल में चले जाएं, उन्होंने काफी समझाने की कोशिश भी की है। पुलिस कहती थी कि जिस लड़की ने वीडियो वायरल किया है उसको और उसके जो दो दोस्त थे शिमला में रहने वाले, हमने उनको अरेस्ट कर दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात पे अड़े हुए थे, जो लड़की ने वीडियो वायरल किया है उसने कितने वीडियो वायरल किए हैं और क्यों किए हैं, इसके पीछे क्या रीजन था। वो चाहते थे कि जिस लड़की ने वीडियो वायरल किया है उस लड़की को हमारे सामने लाया जाए, हम पहचान सके कि वह वही लड़की है या किसी और के ऊपर पुलिस द्वारा FIR दर्ज की जाए। स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि अगर लड़की ने अपना वीडियो बनाकर वायरल किया है तो फिर FIR पुलिस ने क्यों की जी। वो कह रहे थे कि जो लड़की ने नहाते का एक लड़की का वीडियो वायरल किया है, लगभग 7 के करीब है जो वायरल किए गए हैं, ये चाहते थे कि वो हमारे सामने पेश किया जाए, लेकिन उसके बाद सहमति नहीं बन पाई। पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की है, फिलहाल मामला अभी भी गरमाया हुआ है जी। देर रात तक हंगामा होता रहा और ये देखने को मिला कि सबसे पहले प्रशासन उनकी मांगों को स्वीकार करता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, रात होती गई, गहरी रात होती गई, तो प्रशासन ने उनकी मांगों को स्वीकारा। कौन कौन सी मांगों को स्वीकारा गया है? देखिए, लगभग वक्त प्रदर्शन शुरू हुआ, लगभग 4,000 के करीब जो वहाँ पे विद्यार्थी मौजूद थे, पुलिस ने रात को आधी रात तक वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश की। पुलिस चाहती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी एक टीम बना दी जाए, उसमें चाहे 10 चाहे 20 जितने स्टूडेंट्स हैं वो उस टीम में हो। इधर पुलिस चाहती थी कि हम उनसे बैठ के जो अपना राजीनामा है वो कर ले, लेकिन स्टूडेंट्स इस बात पे अड़े हुए थे कि हमारी जो मांगे हैं वो, एक तो मांग थी उनकी कि जो जिस प्रकार के वो कपड़े पहन के आते हैं, जिस डिजाइन के कपड़े पाकर आते हैं पर रोका जाता है, अपनी मनपसंद के कपड़े नहीं पहने दिए जाते, जो बाथरूम है वो गंदे हैं, उनको साफ सुथरे नहीं है, जिस प्रकार से वीडियो बनाया गया है वहाँ पे जो दरवाजे हैं वो आधे कटे हुए हैं, उनको पूरे दरवाजे कवर किए जाए, ये उनका। गुरमिंदर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया MH1 प्राइम के साथ जुड़ने के लिए। मनीषा जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासन झूठा है या फिर छात्रा? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ना तो अभी बच्चे झूठ बोल रहे हैं ना प्रशासन झूठ बोल रहा है। एक वीडियो तो MMS प्रशासन कह ही रहा है ना कि लड़की ने बनाया है, तो ये गहन एक जांच का विषय है। अभी कुछ भी कहना कि और MMS बने हैं नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन प्रशासन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो कर रहे हैं, तो अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना मुझे लगता है कि बड़ा संजीदा मुद्दा हमारी बेटियों से जुड़ा हुआ है, लड़कियों से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जांच। कल पंजाब के हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ऑर्डर दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर इसके जांच कंप्लीट करके हमें बताई जाए, तो हमें वेट करनी चाहिए, संजीदा मामला है, इन्वेस्टिगेशन होने देनी चाहिए। तो अभी किसी को भी कहना कि प्रशासन गलत है या बच्चियां गलत है, बच्चियों का कंसर्न बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मामला ही ऐसा उनकी इमेज से जुड़ा हुआ है, हमारी बच्चियों की डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। मैं खुद इस मामले को लेकर संजीदा हूँ,
ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, हमारी बच्चियों का कोई भी ऐसा वीडियो या किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमें इन्वेस्टिगेशन की वेट करनी चाहिए। मनीषा जी, फिलहाल छात्राओं के मन में एक और सवाल है, मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए, पूरा पंजाब पूरा देश आपको सुन रहा है कि आखिर इस मामले की जो सच्चाई है वो तो निकलकर सामने आएगी ही, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो स्थिति बनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि कोई भी वीडियो ऐसी वायरल नहीं हुई है 60 छात्राओं की, बल्कि उसी लड़की ने अपने दोस्त को अपनी ही वीडियो भेजी, ये बात सामने आई, फिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर फिर एफआईआर किस आधार पर दर्ज की गई है, एफआईआर तो दर्ज होनी ही नहीं चाहिए, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है इस प्रकरण को लेकर। एफआईआर देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जब मैं वहाँ पहुंची, जो मुझे ब्रीफ किया वो मेरी कल विजिट थी, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि ऑर्डर करना एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर ऐसा कोई विमेन से रिलेटेड, हमारी बच्चियों से रिलेटेड कोई बहुत संजीदा मुद्दा है, ये मेरा जो अपना फर्ज बनता था एज ए चेयरपर्सन, मैं वहाँ पहुंची, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मुझे ब्रीफ किया कि मैडम ये लड़की ने अमेंडमेंट बनाया, 354C ICS के तहत हमने FIR दर्ज करके उसको अरेस्ट कर लिया, हमने उनको ऑर्डर दिया कि जिस हॉस्टल मैनेजर की कंप्लेंट पे आपने ये सब इस पर संज्ञान लिया है, वार्डन से भी कड़ी पूछताछ करके इस पिक्चर को क्लियर किया जाए कि हमारी बच्चियों के किसी और बच्चियों के वीडियो तो नहीं बने। तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जितना उन्होंने मुझे ब्रीफ किया, मैंने वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखा, आपसे भी बार बार बात कर रही हूँ, खुद भी लाइव सेशन करके कहा कि ये अगर मुझे भी किसी ने गलत ब्रीफ किया होगा वो भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पर अब क्योंकि जो मोहाली के SSP हैं विवेक सिंह सोनी जी और हमारे जो DC हैं वहाँ के अमित तलवार जी, मैं जानती हूँ उनको पास्ट में कमीशन में 2018 से काम किया, बड़े संजीदा ऑफिसर है, और मेरा ये मानना है कि जब बच्चियों से जुड़ा हुआ मैटर हो या किसी से भी हो, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष रूप से हमारा प्रशासन करेगा, और अब तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी संज्ञान ले लिया है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग लिया, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी तरफ से भी आज एक ऑर्डर इश्यू हो गया है कि तुरंत इसकी रिपोर्ट हमें पेश की जाए, तो हमें लगता है कि हमें निष्पक्ष रूप से जांच होने देनी चाहिए, और मेरा बड़ा कंसर्न बच्चियों के लिए, मेरी इस मामले पे पूरी नजर रहेगी कि हमारी बच्चियों के साथ उनको जस्टिस मिले, और कोई भी ऐसी आगे से भी किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ ना हो, उनकी सुरक्षा पुख्ता की जाए, पंजाब की क्या देश की हर यूनिवर्सिटी में ऐसे नियम कानून बन जाने चाहिए कि पेरेंट्स बेपरवाह, पेरेंट्स के लिए एक आज ये बड़ा चिंता का विषय है, पेरेंट्स वरीड है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेके नहीं, चारों तरफ ऐसा माहौल बन गया कि हमारे बच्चे फिर सेफ कहाँ है, अगर यूनिवर्सिटी से ऐसे मैटर सामने आएंगे तो हमारी बच्चियां सेफ। बिल्कुल मनीषा जी, और यहाँ पर अब देखने वाली बात यही रह गई है कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सब कुछ और सच सामने आना चाहिए, देश की निगाहें भी इस पूरे प्रकरण को लेकर टिकी हुई है। मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।